नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही कैजुअल व्लॉग है, क्योंकि आज आपको कुछ आपने टाइटल में देखा होगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बैकयार्ड में जो फेंसिंग होती है, जो न्यू हाउस ये मेरा घर है, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। घर तो आप ले लेते हो, उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स इन्वॉल्व है। सो फेंसिंग हो चुकी है पूरी कम्प्लीट, मैं आपको थ्रू आउट प्रोसेस दिखाऊंगा, बनी कैसे है, क्या कॉस्ट है, कितनी स्ट्रगल हुआ पीछे वेंडर सेलेक्ट करने में, क्योंकि आपको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर करना होता है, आप बिल्डर से नहीं कर सकते। अगर आप प्री सेल होम लेते हो तो आपको काफ़ी प्री सेल होम में ऑलरेडी फेंसिंग मिलती है, तो वो सारा होमवर्क खुद करना पड़ता है। प्लस आजकल कॉस्ट जो है बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, लंबर प्राइसेस बढ़ गए हैं, प्लस लेबर कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है। पहले तो आज है कनाडा डे लॉन्ग वीकेंड, सो हैप्पी कनाडा डे जो भी देख रहे हैं, और बाकी लोग जो बाहर से देख रहे हैं उनको हेलो। सो अब आपको दिखाता हूँ मैं कि बैकयार्ड का जो हमारा एरिया है वो लेंथ विड्थ के हिसाब से होता है। तो जो आप फेंस कराते हो वो आप अपने नेबर के साथ कॉस्ट शेयर करते हो, क्योंकि एक ही वॉल है, सो वो हाफ पैसे देते हैं, आप हाफ पैसे देते हो, वो थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम लोगों ने क्या करा, मल्टीपल जो हाउसेज है बैक के, उन लोगों से बात करके एक ही वेंडर पिक कर लिया, ताकि आपको मल्टी हाउस प्राइसिंग थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। तो चलो अब शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। चलो अब आपको मैं दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। सो ये देख सकते हो गाइस, फाइनल ग्रेड का ट्रक आ गया है। अब यहाँ से जो सॉइल है घर के बाहर डलेगी, और अभी वो जो है वो रोड क्रश है जो डेक के नीचे लगती है, और धीरे धीरे जो भी लोग काम करेंगे पीछे वो बॉब कैट के थ्रू एक एक करके ये टॉप सॉइल लेके सारी पूरे यार्ड में डालेंगे। फिर सिटी ये इंस्पेक्ट करके परमिट अप्रूव करती है, उसके बाद आप लैंडस्केपिंग करा सकते हो। तो बाकी की अपडेट आपको देता हूँ मैं अभी। ये देखो स्टेप वन है। सो फाइनली फेंस पोस्ट आ गए हैं बैकयार्ड के लिए। फाइनल ग्रेड अभी ख़त्म हुई है, ये ट्रक आ गया है, तो ऑलमोस्ट साथ में यहाँ पे 6 to 7 होम्स है जिसकी फेंस लगेंगी, तो ये सारे पोस्ट अभी पीछे लगेंगे। फाइनली डेक बन रहा है और बैकयार्ड बन रहा है, तो चलो अब आपको बाकी की प्रोसेस दिखाते हैं। सो अभी बैक में देखो, ये लोग फेंसिंग करने के लिए सबसे पहले नंबर वन स्टेप है डिग करेंगे ग्राउंड में। उसके बाद ये जो सारे वुडन पोज देख रहे हो, ये लोग अभी सारे आपकी प्रॉपर्टी लाइन मेजर करके हम लोगों की, हमने काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पर लिए हैं ताकि थोड़ा सा बेटर रेट मिला है फेंसिंग के लिए, तो ये लोग सारे पोस्ट लगाएंगे दोनों साइड पे, उसको फिर पोस्ट को ड्राई होने देंगे, और उसके बाद जब 3-4 दिन के गैप के बाद यहाँ पर फिर एक्चुअल जो वुडन फेंस है वो लगेगी। तो देखो बैक में उस घर में भी लगी हुई है, और पूरा एंड तक राइट साइड में बैक तक वहाँ पर प्रोजेक्ट जाएगा। तो लगभग 8 से 10 घर हैं, तो ये लोग अभी यहाँ से हमारे घर से स्टार्ट किए इन्होंने। तो ये है फर्स्ट स्टेप इस प्रोसेस की अपडेट। आपको बाकी के स्टेप भी मैं दिखाऊंगा, ताकि एक पूरी वीडियो में आपको पता चल जाए कि बैकयार्ड में जब आप नया घर लेते हो तो क्या क्या चीज़ें करवानी होती हैं। सो यहाँ पर करें देखो टोटल जो फेंसिंग का वो जाएगा ना पोस्ट, तो एक ये है और दूसरा ये है। सो ये वाले पोस्ट हैं जो लगेंगे, ये जो पूरे फेंसिंग में ये बड़े वुडन पोस्ट हैं। सो अभी फर्स्ट घर से वहाँ से देखो फेंसिंग स्टार्ट हो गई है। जो मेन फ्रेमिंग या पोस्ट पहले लग गए थे, क्योंकि पोस्ट को कंक्रीट से नीचे स्टिफ करना पड़ता है, अब यहाँ पर जो फ्रेमिंग है वो लग रही है। दो साइड्स होती हैं यूजुअली फेंसिंग की, एक साइड रफ और एक साइड प्लेन जो क्लीन साइड है, तो अभी यहाँ से शुरू होगी। और इसके बाद यहाँ इस वाला जो ये हमारा लॉट है यहाँ पर लगेगी। सो हमारी तीनों साइड रफ हैं, जैसे ही फाइनल आउटपुट होगा मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है, बट फाइनली दिख रहा है, आप देख सकते हो कि यार्ड की एकदम प्रॉपर शेप आ गई है। सामने जो पीछे हमारे यार्ड है उसकी ग्रास लग गई है, बट बाकी में अभी सिर्फ फाइनल ग्रेड हुई है जिसका सर्टिफिकेट आता है सिटी के लिए। तो अब देखो फेंस लग रही है यहाँ पे, अब हमारी साइड पर आ गई है।
सो ये लोग अभी मेजर कर रहे हैं इससे ऊपर से लेके पूरा नीचे तक पोस्ट की, यहाँ पे सारी फेंस लग जाएगी। फाइनली पूरी बाउंड्री हो जाएगी यार्ड की, कि कैसे बैकयार्ड के चारों तरफ वो स्पेस हमारी साइड होगी और सबके घरों के जो लॉट हैं अब देखो सेपरेट हो गए हैं। तो चलो आगे की अपडेट आपको देता रहूँगा, ऐसे ही धीरे धीरे काम चल रहा है अभी। सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ट्रोंको। ये ट्रोंको के ग्लास टम्बलर है जिसे आप कॉफ़ी के लिए, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। सो ट्रोंको की बेस्ट पार्ट ये है कि इसे आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर सकते हो और ये डिश वॉशर सेफ हैं, वॉक्स पे, घर पर, ऑफिस में, आप कहीं पर भी ये यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सारा लिंक में है, सो प्लीज़ गो चेक इट आउट। सो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये लोग यहाँ पर सारे जो नेल गन है उससे देखो सारे फेंस कवर कर रहे हैं ताकि सारे घर कवर हो जाएं। तो ये नेल गन कनेक्ट करी हुई है सॉकेट से और अब यहाँ पे सारा काम हो रहा है। मैं जूम करता हूँ, एक प्लैंक लिया वुडन और उसके बाद देखो एक ऊपर सेंटर में। सो गाइज ये था बैकयार्ड फेंसिंग की पूरा प्रोसेस। आप मेरे पीछे देख सकते हो फेंसिंग कैसे बनी है, वो दिख रही है। सो बेसिकली प्लॉट प्लान के हिसाब से सब लोगों का बैकयार्ड का एरिया जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ले लेता है। मार्किंग जो प्रॉपर होती है वो सिटी से होती है, आप अपने आप में डिसाइड करते क्या लेंथ है। सो $45 पर फुट की कॉस्ट लगी है इस फेंस के लिए। सो आप नेबर के साथ जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो $22.5 पर फुट है, जो कि आज के टाइम में अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पहले थोड़ा कॉस्ट कम थी, जैसे मैंने पहले बोला मटेरियल कम थे, लेबर कम थी, अब हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट ये था पूरा प्रोसेस। सो नए घर में ये करवानी पड़ती है। इवेंचुअली आप फेंस को स्टेन कर सकते हो ताकि प्रोटेक्टेड रहे। सो लगभग मैंने इसको ले पे किया है $2,600-$2,700 के करीब। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक पार्ट है, अभी आपको सेकंड पार्ट दिखाएंगे जब लैंडस्केपिंग हो जाएगी। लैंडस्केपिंग का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो दो क्रिटिकल पार्ट है बैकयार्ड के और फ्रंट के जो आपको करवाने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरे न्यू हाउस के फुल वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई है, ऊपर पोस्ट है, टैग आप जाके देख सकते हो। ये था न्यू हाउस का प्रोसेस। और भी जो टॉपिक्स होंगे आपके लिए यूजफुल होंगे, आई शो यू दैट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते, बाय।